मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। 2012 में जहां राज्य में न केवल 512 मेगावाट का उत्पादन हो रहा था, वहीं अब यह आंकड़ा 14 गुना बढ़कर 7000 मेगावाट तक पहुंच गया है। नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा है कि हमारा लक्ष्य 20000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का है। इसके लिए 8 से 10 हजार मेगावाट के लिए मुरैना, भिंड, अशोकनगर, सागर, नीमच और आगर मालवा में भूमि चिन्हित की गई है। पिछले 10 महीनों में निरंतर प्रयासों के तहत ओंकारेश्वर में मां नर्मदा की गोद में फ्लोटिंग सोलर प्लांट का 278 मेगावाट का उत्पादन शुरू हो चुका है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है और यह हमारे लिए गर्व की बात है। इसके अलावा सागर और धार में 300 मेगावाट के सोलर पार्क लगाने की योजना भी है। किसानों को ऊर्जा उत्पादक बनाने के लिए पीएम कुसुम योजना भी लागू की गई है। इसमें भी हम विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम कैसे पावर में आए और ऐसे पावर में आए कि कुछ विसंगति हैं, वैसी नहीं है जो टेक्निकल है। अभी ऊर्जा विकास निगम का चार्ज हमको मिला है और चूंकि यहीं से चार्ज ले लिया है हमने और उसको हम अपने 4 से 10 दिन में जब भी वहां पर जाना होगा, क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा परिवार का क्षेत्र विजयपुर है, तो इसलिए श्योपुर में ज़्यादा जाना रहेगा हमारा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।